मोटो एज 13 अल्ट्रा इस स्मार्टफोन के बारे में फुल डिटेल के साथ रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे सभी स्पेसिफिकेशन विद प्रूफ के साथ। डिस्प्ले फीचर्स, इस स्मार्टफोन में जो आपको डिस्प्ले फीचर्स मिलेंगे 6.6 इंच के फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, जिनमें आपको रिफ्रेश रेट मिलेंगे 144 हर्ट्ज का। बहुत ही अच्छे डिस्प्ले फीचर्स में आपको रिफ्रेश रेट मिल जाते हैं एंड गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएंगे। अगर बात करें IP रेटिंग का, IP रेटिंग का सपोर्ट है या नहीं, IP रेटिंग का तो सपोर्ट है लेकिन कम है, जो 52 होता ना उसका ऑफ सपोर्ट है, सिर्फ पानी के छींट को संभाल पाएगा। तो प्राइस के हिसाब से ये फीचर्स खराब दिया है। मल्टीमीडिया फीचर्स, इस स्मार्टफोन में आप फुल HD प्लस वीडियो को देख पाओगे एंड ऑडियो को क्लियरली सुन पाओगे। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर आपको OLED डिस्प्ले मिलते हैं, इसलिए आप सभी कलर का सही तरीके से इंजॉय भी कर पाओगे। प्रोसेसर, अरे क्या बोले यार, सभी स्मार्टफोन में यही प्रोसेसर देता है, जैसा प्रोसेसर भी तो यार। तो हम बात करते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आइजेन 1 का। ये प्रोसेसर बहुत ही भयंकर है और साथ ही में ये फोन नैनोमीटर का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, इसलिए आप गेमिंग के महफिल में धूमधाम के साथ मक्खन के तरह स्मार्टली गेम को खेल पाओगे। कैमरा फीचर्स, इस स्मार्टफोन में जो आपको कैमरा फीचर्स मिलेगा ना यार क्या बोले, 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और साथ ही में 12 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा और साथ ही में आपको फ्रंट में मिलेगा 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। तो गाइस आपको बता दें, इस स्मार्टफोन में जो पिक का क्वालिटी होगा ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी होगा, जैसे कि पता चलेगा रे DSLR से आप पिक लिए हैं ऐसा लगेगा। अगर आप वीडियो को रिकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ पर आप अल्ट्रा क्वालिटी में 4K आप वीडियो को रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। बैटरी कैपेसिटी, इस स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेंगे, जिनमें आपको फास्ट चार्जर मिलेंगे 125 वाट का। तो आप सोचते हैं कि इसमें रिवर्स चार्जर है या नहीं, तो गाइस यहाँ पर आपको रिवर्स चार्जर का ऑप्शन नहीं मिलते हैं। अभी कंपनी अभी कन्फर्म नहीं किया कि यहाँ पर आपको रिवर्स चार्जर देगा या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएंगे 50 वाट का, ये तो कंफर्म है। इंटरनल स्टोरेज, इस स्मार्टफोन में आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेंगे 8GB रैम और 256GB रोम, जिनमें आपको एक्सटर्नल मेमोरी का भी ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर बात करें इंटरनल स्टोरेज टाइप की तो UFS 3.1 का ऑप्शन मिलेंगे, जो कि बहुत ही बेस्ट होते हैं। सेंसर, इस स्मार्टफोन में आपको सभी सेंसर मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएंगे एंड ऑदर जितने भी सेंसर है उन सभी का आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी फीचर्स, नेटवर्क सपोर्ट 5G मिलेंगे, ब्लूटूथ 5.2 का ऑप्शन मिलेंगे, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलेंगे, NFC का सपोर्ट मिलेंगे, GPS का सपोर्ट मिलेंगे एंड ऑदर जितने भी कनेक्टिविटी फीचर्स है उन सभी का आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो गाइस हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिए कर दिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ये भी कर दिए। तो चलते हैं इस वीडियो में, फिर मिलेंगे, बाय।